अंदाज रहीशों का और काम झपट मारी। रेल पुलिस के हत्थे चढ़ा एक ऐसा ही एक गिरोह जो होटल के एसी कमरे में बैठकर चोरी और छिनतई जैसी बड़ी घटनाओं की रूपरेखा तैयार करता है और दो चार बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर ये अपना पड़ाव दूसरे शहर की ओर कर लेता है। इनके निशाने पर ज्यादातर ऐसी महिलाएं रहती हैं जो भीड़ भाड़ वाली जगहों से होकर गुजरती है। वो चाहे ट्रेन में अपने व्रत के लिए भीड़ में शामिल महिला हो या फिर अन्य जगहों पर। पुलिस ने इन्हें न सिर्फ शातिर बल्कि अंतर्राज्यीय अपराधी भी करार दिया। पुलिस ने इन्हें इनके 8 साथियों में से 6 को छिनतई के सामानों के साथ धर दबोचा है। अन्य 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की बात भी कही जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आइए जानते हैं मामले की पूरी तफ्तीश सनमार्ग के हवाले से। क्या है पूरा मामला? क्या दिनांक 27/4/19 को उत्तम कुमार सरखेल अपनी पत्नी को चढ़ाने के लिए भागलपुर प्लेटफार्म पर आए थे। प्लेटफार्म पर एक नंबर पर बैठे हुए थे और उनकी वाइफ ट्रेन में चढ़ रही थी। उसी दौरान अज्ञात अपराधी उनका चैन खींचकर भागने लगा। हल्ला पर भागने के दौरान में पुलिस और यात्रियों के सहयोग से पहले एक अभियुक्त को पकड़ा गया, पुनः 2 और अभियुक्त, कुल 3 अभियुक्त एक बार में पकड़े गए और उनका चैन जो खींचा था उसका टूटा हुआ भाग पकड़ाए हुए व्यक्ति से अभियुक्त से बरामद हुआ था। उनके मैंने लिखित आवेदन के आधार पर 3 जो पकड़े हुए व्यक्ति थे उनके विरुद्ध और बाकी 5 भागे हुए के विरुद्ध में कांड दर्ज किया गया था। इसी दौरान पुलिस अनुसंधान के दौरान रेस्ट जो 5 भाग गए थे उनमें से 3 और पकड़ाए हुए अभियुक्त के पास से उनके मुंह धोने वाले जो कॉलगेट होता है पेस्ट बड़ा वाला 200 ग्राम का, उसमें छुपा कर रखा हुआ 4 बड़ा चैन और एक चांदी का चैन और एक सोने का टूटा हुआ चैन का भाग जो सवेर में महिला से छीना था उसका टूटा हुआ पार्ट बरामद हुआ। कहाँ के हैं ये लोग? ये लोग 24 परगना वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और सभी अंतर्राज्यीय अपराधी और साथी अपराधी हैं जो बड़े बड़े शहर में जाकर वातानुकूलित होटल के कमरा बुक कराकर रहते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं। 5-6 दिन अपराध करने के बाद फिर दूसरे शहर के लिए और स्टेशन के लिए चले जाते हैं। भागलपुर में ये लोग कहाँ ठहरे थे? भागलपुर में ये लोग वृंदावन एक रेस्ट हाउस है बगल में ही स्टेशन से 100-200 मीटर की दूरी पर, उसी में वातानुकूलित कमरा में ठहरे हुए। भागलपुर से सनमार के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।